अरे ईमानदारो, तुम्हें पूछने के लिए कोई तौफर नहीं बताई गई, तुम्हें सजदा करने के लिए किसी का दर नहीं बताया गया, तुम्हें पूछने के लिए कभी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूजा से अपने रब की करना है, इबादत अपने रब की करना है, सजदा अपने रब के लिए करना है, तुम्हें दर अगर अपने सर को अपने जीवन में छुपाने के लिए बताया गया है तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं हाजी शरीफ जिंदगी है, कहीं सरकार सुल्तान पीर है, कहीं हजरत वाला पीर है, कहीं कहीं आने की जरूरत नहीं, हम जिला रुक करेंगे उधर कोई ना कोई अल्लाह का महबूब जरूर आ रहा है। हमें लखनऊ दिल्ली के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, और लखनऊ दिल्ली वालों से तो कहेंगे अपनी हाजते तरफ करोगे रही उम्मत की, इनकी बारगाह में आप दिन में आओगे तो भी नमाज देंगे, रात में आओगे तो भी नमाज देंगे, शाम में आओगे तो भी नमाज देंगे, सुबह में आओगे तो भी नमाज देंगे, अरे लेके तो आओ काम का फैला के आओ, दामन में घुसते ले के आओ, अरे जो पहलो हिफाज का सबका इनकी बारगाह से मांगोगे तो वो भी पहले करना हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हिम्मतें बुलंद रखो, हौसले बुलंद रखो, हमारे नबी ने हमें हर बात का सिलसिला सिखाया है, हमारे नबी ने हमें सब कुछ सिखाया है, हमारे नबी के दामन में सब कुछ है, हमें कभी किसी ताकत की परवाह नहीं है, हमें किसी हुकूमत की परवाह नहीं है, हुकूमतें तो इन्हें कुर्सी से हटा देगा, लेकिन मेरे रब ने अरे जब गरीब नमाज से बैठाए हुए ऊँट नहीं हटा सके अल्लाह के इन बंदों को कौन हटाएगा, आप सोचे, लेकिन अपने रब पे भरोसा होना चाहिए, यकीन काम ही होना चाहिए, और ये अहद करके उठे कि हजरत हाजी शरीफ की बारगाह से जाने के बाद अगर हम किसी से डरेंगे तो अपने रब से डरेंगे, हम अगर किसी की इबादत करेंगे तो अपने रब की करेंगे, अरे हम उसकी करेंगे जो सबसे बड़ा ताकतवर है, और इंशाअल्लाह जब उसकी इबादत करेंगे उसकी बारगाह में झुकेंगे तो हमारे दिलों से सारी ताकत का खौफ निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, और वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह तो कल अहले इस्लाम का दबदबा, अहले इस्लाम का दलदला आज से कई सौ साल पहले का किसी मुसलमान ने जब हुकूमत हिंदुस्तान पर की है तो मेरा रब जब जरूर जो कल तुम क्या करते थे आने वाले कुछ सालों के बाद भी तुम्हें वही उसी तरीके गुलामी करना, हम ईमान वाले बन गए, हम अपने नबी से रास्ता सही कर लें, हम अपने नबी से अकीदत सही रख लें, हम मदीने के सच्चे गुलाम हो गए, आखिरी पैगाम सब पार्टियां छोड़ के एक मदीने के नाम पे सब कुछ एक कर देते हैं, सारी लड़ाइयां भुला देना, सब कुछ भुला देना, सूबाई तासुर, मशरकी तासुर, सब कुछ खत्म करके मदीने के नाम पे एक हो जाना, मदीने वाला तुम्हें इज्जत से नवाजेगा, आप लोग इत्मीनान से बैठ बैठ में होगी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है हजरत हाजी शरीफ जिंदगी के सदके में इंशाल्लाह अल्लाह हमें इज्जत भी देगा, हमें दौलत भी देगा, और इंशाल्लाह हिंदुस्तान में जिएंगे, सरकार गरीब नवाज के करम से शान से जिएंगे, शान से मरेंगे, ये मुल्क हमारा है, किसी के बाद हमें कोई निकाल नहीं सकता, इस मिट्टी से मोहब्बत है, हम इस मिट्टी पे न जाने के लिए सजदे करते हैं, हमें इस मिट्टी से बेपना मोहब्बत है, ये किसी और का हिंदुस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान मेरे गरीब नवाज का है, हिंदुस्तान नाम मेरे प्यारे का है, ये हिंदुस्तान हजरत हाजी शरीफ जिंदगी का है, ये
कुछ कर नहीं सकता हमारे।